बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टर्टल के कुछ एडवांस कमांड्स। पहले हम सीख चुके हैं कि टर्टल को कैसे चलाते हैं और इसके टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे रिपीट कमांड की। रिपीट कमांड कैसे काम करती है यह हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम रिपीट कमांड का उपयोग टर्टल आर्ट में किस प्रकार होता है ये जानेंगे। यदि हमें कोई स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम FD 100, यानी ये टर्टल हमारा यहां तक 100 पिक्सल्स मूव करेगा और RT 90 घूम जाएगा। ये एक बार चलाया हमने, ये करा, इसी को दो बार चलाएंगे ये होगा, फिर तीन बार और ये चौथी बार, तो इससे हमारा सर्कल बन जाता है, सॉरी स्क्वायर बन जाता है। इसी प्रकार यदि हमारे एक ही बार में बनाना है तो हम इसको चार बार लिखेंगे। ये हमारा चार बार रिपीट काम कर दिया हमने। देखिए, हमने चार बार ये काम को रिपीट किया है, फॉरवर्ड 100 एंड RT 90, मतलब 100 पिक्सल मूव करो और राइट में 90 डिग्री घूम जाओ। तो यही काम ये टर्टल है जो बार बार करेगा। यदि हम इसको मूव करते हैं तो ये देखो ये इसने किया है, लेकिन हमारे को यही काम हम शॉर्ट में करना चाहते हैं क्योंकि हम ये एक ही कार्य को रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको रिपीट कमांड के द्वारा भी कर सकते हैं। हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको खाली इतना ही लिखेंगे, एक बार ही काम को लिखेंगे और वही बार बार दोहराएंगे। तो दोहराने के लिए फ्लो में हमारे पास एक ऑप्शन है रिपीट, तो हमने रिपीट में के अंदर डाल दिया। देखो ये अलग है, हमें जो रिपीट करना है वो इसके अंदर लिख डालना है और कितनी बार रिपीट करना है वो यहाँ लिख देंगे, 4 टाइम। तो 4 टाइम रिपीट करने से हमारा कार्य हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हम क्लीन कर देते हैं और फिर इसे रन करते हैं। देखा आपने किस तरह से ये कार्य हो गया। और यदि हम इसी कार्य को और अधिक बार करना करेंगे और यदि रिपीट से कैसे कैसे आकृति हम बना सकते हैं, ये देखिए, यदि हम इसके आगे एक और रिपीट लगा दें तो देखिए कैसी आकृति बन जाएगी। इस रिपीट के अंदर भी हमने एक रिपीट और लगा दिया, इसको चार बार रिपीट करो और ये एक रिपीट पूरा हो जाने के बाद में क्या करो कि आप लेफ्ट में 90 घूम जाओ। तो देखिए खाली इतना करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, मैजिक स्टिक लेते हैं और देखिए इस आकृति से हमारा स्क्वायर का स्क्वायर बन गया है। देखिए हमने क्या किया, समझने की कोशिश करिए। हमने खाली फॉरवर्ड 100 और RT यानी राइट 90 डिग्री एक बार लिखा और फिर क्या किया कि ये कार्य चार बार करो। देखो बच्चों, मैं स्टेप अलग अलग उसमें समझाता हूं आपको। अगर ये एक बार करते हैं बिना रिपीट के, ये एक बार इतना कार्य हो जाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, चार बार रिपीट करने से हमारा ये बन गया। और ये करने के बाद हम लेफ्ट 90 घूम जाते हैं, ठीक है, फिर से यही करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। और ये करने के बाद में फिर से हम एक बार लेफ्ट घूम जाते हैं 90, फिर से हम ये करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। फिर से ये कार्य करने के बाद हम एक बार 90 डिग्री घूम जाते हैं लेफ्ट में और फिर से चलेंगे 1, 2, 3 एंड 4। यहां हमारा कार्य पूरा हो गया। तो यही कार्य हम
एक साथ करना चाहते हैं तो हमने ये एक बार फॉरवर्ड 100 और राइट 90 लिख लिया। इसको रिपीट करिए चार बार, चार बार। एक बार रिपीट हो जाने से क्या होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। एक स्क्वायर बन जाए उसके बाद में लेफ्ट में 90 डिग्री घूम जाइए। फिर घूमने के बाद में फिर से यही काम कीजिए और ये ऐसा काम करिए चार बार। तो ये करने से हमारा बन जाता है स्क्वायर्स का स्क्वायर, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक्स के हिसाब से हम सिलेबस कवर करेंगे और इसके अलावा भी कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। तो देखिए स्क्वायर्स का स्क्वायर बन कैसे बना, ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। अब ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद बना के देख सकते हैं। ये आप एक तरह से होम असाइनमेंट समझिए, आप खुद बनाने की कोशिश करिए और नहीं बनता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बना के दिखाऊंगा। बच्चों कलर्स का रोल टर्टल आर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। कलर्स का रोल कैसे कलर्स को उपयोग करते हैं और कलर कोड क्या क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। और जो मैंने अभी होमवर्क दिया है उसको कलर के साथ कैसे करेंगे वो भी अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।